जनवरी 2020 नासा के एक्सोप्लैनेट हंटर सैटेलाइट एक ऐसे प्लैनेट को डिस्कवर करने में कामयाब होता है जिसके बारे में आज तक हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते थे, यानी इसकी अर्थ से सिमिलरिटी इतनी है जिससे इसको लाइफ के लिए सेफ हेवन कहा जा रहा है। जैसा कि हम जानते हैं, पिछले कुछ सालों से नासा काफ़ी हेवली इन्वेस्टमेंट कर रहा है स्पेस में और हजारों सैटेलाइट और स्पेस प्रोब के साथ साथ चांद पर एक साइंटिफिक लैब भी सेटअप करने वाला है। ये सारे इन्वेस्टमेंट नासा के कुछ महत्वाकांक्षी मिशनों के लिए किया जा रहा है, जिसमें सबसे जरूरी हमारे सोलर सिस्टम से बाहर किसी ऐसे एक्सो प्लैनेट की तलाश है जिस पर फ्यूचर में इंसानों को आबाद होने के चांस हो, या फिर किसी ऐसी दुनिया की तलाश जिस पर लाइफ पॉसिबल हो। इन सारे मिशनों का एक उद्देश्य और भी है, इस सवाल के जवाब को ढूंढना कि क्या इस यूनिवर्स में हम अकेले हैं, जिसके लिए नासा 7 मार्च 2009 को केपलर स्पेस ऑब्जर्वेटरी को लॉन्च करता है, जिसका मकसद था कि हमारे सोलर सिस्टम से बाहर पड़ोस के किसी सोलर सिस्टम में ऐसे ग्रहों की तलाश करना जिस पर लाइफ की पॉसिबिलिटी हो, या फिर हमारे अर्थ जैसी किसी दूसरी दुनिया। अपने 9.5 साल के कार्यकाल में केपलर 5 लाख से ज्यादा स्टार को ऑब्जर्व करता है और 2662 एक्सोप्लैनेट की पहचान भी करता है, जिनमें से कुछ हैबिटेबल भी है, लेकिन 15 नवंबर 2018 को इसका फ्यूल खत्म होने के कारण इससे संपर्क टूट जाता है और ये रिटायर हो जाता है। इसके बाद 18 अप्रैल 2018 को TES यानी टेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया जाता है। टेस यानी ट्रांजिट एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट। टेस केपलर टेलीस्कोप से कहीं ज्यादा एडवांस और मॉडर्न है। इसको केपलर के उत्तराधिकारी के तौर पर लॉन्च किया गया है, जो कि केपलर के लेगेसी को आगे बढ़ाने वाला है। ये ना सिर्फ ऐसे एक्सोप्लैनेट को डिस्कवर करने वाला है, बल्कि केपलर द्वारा खोजे गए हैबिटेबल प्लैनेट को सर्वे भी करने वाला है और डिटेल जानकारियां इकट्ठा करके मिशन कंट्रोल सेंटर को भेजने वाला है। तो वेल दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केपलर और टेस द्वारा खोजे गए 10 ऐसे एक्सोप्लैनेट के बारे में जिसका ESI यानी अर्थ सिमिलैरिटी इंडेक्स बहुत ही ज़्यादा है। तो दोस्तों, वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियो को पूरा जरूर देखें और उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे। साइंस टीवी के वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। नंबर 10 HD209458D। ये एक जो प्लैनेट हमसे 159 लाइट ईयर दूर पेगासस कंस्टेलेशन में लोकेटेड है और एक ऐसे स्टार को ऑर्बिट कर रहा है जो कि हमारे सूरज जैसा ही है। एस्ट्रोनॉमर का ये भी मानना है कि इस पर एटमॉस्फेयर हो सकता है और उसमें वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड होने की भी उम्मीद है। इस प्लैनेट को एक सुपर अर्थ के तौर पर देखा जा सकता है और ये अपने स्टार के अराउंड 3.5 डे में ही अपने एक ऑर्बिट पूरा कर लेता है। नंबर 9 Kepler-186f। केपलर 186f को आप अर्थ लाइक प्लैनेट मान सकते हैं क्योंकि इसकी दूरी अपने स्टार से बिल्कुल इतनी है कि जिस पर वाटर लिक्विड स्टेज में मौजूद रह सकता है, लेकिन इस एक्सोप्लैनेट पर कोई लिक्विड ओशियंस नहीं है और यह अपने स्टार से हैबिटेबल जोन में भी है। इस पर हल्के एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन और हीलियम की मौजूदगी के आसार हैं, पर भारी तत्व जैसे ऑक्सीजन या कार्बन की गैर मौजूदगी हो सकती है। इसका मास 3.5 अर्थ मास के बराबर है, जिसे इसको सुपर अर्थ कहा जाता है। नंबर 8 Kepler-438b। ये एक्सोप्लैनेट टाइडली लॉक है अपने स्टार के साथ, जिसका मतलब है कि इसका एक हिस्सा अपने स्टार के साइड में रहेगा और दूसरा हिस्सा स्टार के अपोजिट साइड में, जिससे इसका एक हिस्सा बहुत ही ज्यादा गर्म और दूसरा हिस्सा बहुत ही ज्यादा ठंडा है। इस एक्सोप्लैनेट पर लाइफ सिर्फ बॉर्डर पर ही पॉसिबल हो सकता है। ये हमसे क्लोजेस्ट एक्सोप्लैनेट है जिस पर अर्थ जैसी मैग्नेटिक फील्ड है, जिससे लाइफ के लिए इस पर चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। इसका मास 2.3 अर्थ मास के बराबर है और इसकी ग्रेविटी 30 टाइम ज्यादा है अर्थ से और ये एक सुपर अर्थ है। नंबर 7 Kepler-62f। Kepler-62f ये एक्सोप्लैनेट अपने स्टार से ना तो बहुत ही ज्यादा दूर है और ना ही ज्यादा करीब, जिसका मतलब है कि काफ़ी हाई चांस है यहाँ पर वाटर लिक्विड फॉर्म में मौजूद होने का और इसकी सरफेस ग्रेविटी अदर प्लैनेट की तुलना में काफ़ी कम होने की उम्मीद है। साइंटिस्टों का ये भी मानना है कि इसके एनवायरनमेंट में वाटर वेपर और मीथेन शामिल हो सकते हैं। ये एक सुपर अर्थ है जिसका मास 3.5 अर्थ मास के बराबर है। नंबर 6 Kepler-296f। ये एक जो प्लैनेट एक सुपर अर्थ है और यह अपने स्टार के जस्ट हैबिटेबल जोन के बाहर है। चूंकि यह स्टार के हैबिटेबल जोन के बाहर ऑर्बिट कर रहा है, इसलिए यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा नहीं है। इसके पास बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर है जिसमें वाटर वेपर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद है। यहाँ वो सारे की इंग्रेडिएंट मौजूद हैं जो कि जीवन पनपने के लिए जरूरी है। इसके अलावा यहाँ का एक साल लगभग अर्थ जितना ही 290 दिनों का होता है। नंबर 5 Kepler-22b। Kepler-22b को एक रॉकी प्लैनेट होने की वजह से इस लिस्ट में शामिल किया गया है। यह अपने स्टार के अराउंड अपेक्षाकृत बहुत ही टाइट ऑर्बिट करता है और यह अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में भी है, लेकिन इन टर्म ऑफ मास और ग्रेविटी ये जुपिटर से काफ़ी सिमिलर है। इसके हाई ग्रेविटी के कारण ये बिल्कुल ही सूटेबल नहीं है लाइफ के लिए। Kepler-22b अर्थ से 620 लाइट ईयर दूर है। नंबर 4 Kepler-36b।
केपलर 36B को नासा के केपलर टेलीस्कोप ने 2009 में डिस्कवर किया था। इसका मास 3.83 अर्थ मास के बराबर है और यह परफेक्टली अर्थ जैसा है। इसका रोटेशनल स्पीड और क्लाइमेट अर्थ से काफ़ी सिमिलर है और यह हमारे सन के समान सितारे को भी ऑर्बिट कर रहा है, जिसका साफ मतलब है कि यह अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में है और यहाँ पर पानी भी मौजूद हो सकती है। पर दुर्भाग्य से इसका ऑर्बिट कुछ अनिश्चित है। यह समय के साथ साथ अपने स्टार के हैबिटेबल जोन के बाहर जा रहा है, जिसका मतलब है कि यह वक्त के साथ साथ इनहैबिटेबल हो जाएगा। केपलर 36 भी अर्थ से 1533 लाइट ईयर दूर है और इसका 1 ईयर अर्थ के 14 दिनों के बराबर ही होता है। नंबर 3, केपलर 442b। केपलर 442 प्लैनेट का साइज और मास अर्थ से काफी सिमिलर है। यह 1/3 अर्थ से बड़ा और इस पर 2/3 ज्यादा लाइट अर्थ के मुकाबले में पहुंचती है। यह अपने सन से बहुत ही टाइट ऑर्बिट करता है। इस पर एटमॉस्फेयर और वाटर सोर्सेज होने की भी उम्मीद है और सबसे बड़ी बात यह अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में है। इसके अलावा इस पर अर्थ से मिलती जुलती एनवायरनमेंट भी मौजूद हो सकता है, जिसमें मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड हो सकते हैं, जो कि जीवन के लिए महत्वपूर्ण तत्व है। केपलर 442 भी अर्थ से 1115 लाइट ईयर दूर होने का अनुमान है। नंबर 2, HD 40307G। इस एक्सोप्लैनेट का ESI यानी अर्थ सिमिलैरिटी इंडेक्स काफी हाई है। इसका मास और साइज अर्थ से काफी मेल खाता है और यह नेपच्यून जैसा प्लैनेट है और यह अपने स्टार के सो कॉल्ड हैबिटेबल जोन में है। ये सारे फैक्टर इस एक्सोप्लैनेट को यहाँ पर रहने लायक बना देते हैं और सबसे जरूरी और अहम बात, यह प्लैनेट हमसे बिल्कुल पड़ोस में लोकेटेड है, वो भी हमसे मात्र 42 लाइट ईयर की दूरी पर। इसका मास 7.1 अर्थ मास के बराबर है और यह अपने स्टार के अराउंड एक ऑर्बिट 198 दिनों में ही कंप्लीट कर लेता है। और अब सबसे जरूरी और अहम एक्सोप्लैनेट, जिसका जिक्र हम इस वीडियो के शुरुआत में ही कर चुके हैं। नंबर 1, TOI 700D। ये वो पहला हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट है जिसको नासा के टेस्ट टेलीस्कोप ने डिस्कवर किया हो, जिसका ESI अर्थ से काफी मिलता जुलता है। ये हमसे 101 लाइट ईयर दूर डोराडो कॉन्स्टेलेशन में लोकेटेड है, जो कि एक रेड ड्वार्फ स्टार TOI 700 को 2,44,00,000 किलोमीटर दूर से ऑर्बिट कर रहा है, जिसका मास और रेडियस हमारे सोलर सिस्टम के सूरज से 40% और टेम्परेचर 50% ही है। एक्चुअली में यहाँ पे 3 एक्सोप्लैनेट है, TOI 700b, TOI 700c और TOI 700d, और तीनों ही हैबिटेबल जोन में है, लेकिन इनमें सबसे अर्थ सिमिलैरिटी में सबसे करीब जो है वो है TOI 700d। इसका मास 1.69 अर्थ मास के बराबर है और इसका रेडियस तकरीबन 1.19 टाइम अर्थ से ज्यादा है। यह अपने स्टार से 86% एनर्जी को रिसीव करता है। इसके सरफेस पर वाटर लिक्विड के साथ साथ एक मैग्नेटिक फील्ड और डेंस कार्बन डाइऑक्साइड डोमिनेटेड एटमॉस्फेयर भी है, जो कि इसको लाइफ के लिए सेफ हेवन बना देते हैं। इन सब के साथ साथ इस पर अर्थ जैसे सीजन भी चेंज होती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा। इस पर अपनी राय कमेंट में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।